पुखराज कितने दिन में इफेक्ट करना शुरू करते हैं? देख, कोई भी जो जेमस्टोन है वो जादू नहीं करता। बहुत सारे लोग जैसे बोलते हैं ये पहन लो जी कल ऐसा हो जाएगा, परसों ऐसा हो जाएगा, हफ्ते में रिजल्ट दिखा देगा, नीलम है, पुखराज है, जो भी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह होता है या बोलो आयुर्वेदिक टॉनिक की तरह होता है, जैसे कि बहुत लंबे टाइम तक आप लेते रहोगे तो इसका इफेक्ट होगा। आप सोचो मैंने आज लिया और बस गोली अंदर दम बार वाली बात होगी, ऐसा नहीं होगा। ये जो है लंबा टाइम लेगा और फिर इसका बहुत अच्छा प्रभाव आएगा। इसका जो इम्पैक्ट आना शुरू होता है 30 to 40 days में आना शुरू होता है। बहुत सारे लोग जो ऐसा बोलते हैं जी मैंने आज पुखराज पहना और जी मेरा नुकसान हो गया जी और मेरा यहाँ फायदा हो गया, मेरे तो बहुत सूट कर गया पुखराज, ऐसे नहीं होता। वो कोई कॉन्सिडेंस हो सकता है उनके लिए, लेकिन पुखराज पहनने से या नीलम पहनने से या पन्ना पर दर्द पर कोई भी जेमस्टोन पहनने से ऐसा अचानक जादुई करिश्मा होता हो ऐसा नहीं होता। टाइम लगता है, टाइम लगता है। बाकी लाइफ के इवेंट्स अपने हिसाब से चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी ने पुखराज पहन लिया तो वो जो है एंड ही लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, उसकी लाइफ में सब कुछ अच्छे इच्छा होना शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जो जीवन की कहानी है वो तो जब स्वयं देवता इस पृथ्वी पे जन्म लेते हैं तो उनको भी दुख सुख सब सहने पड़ते हैं। कृष्ण जी को भी सहने पड़े, राम जी को भी सहने पड़े, तो वो दुख सुख तो उनके साथ चलेंगे जीवन में, लेकिन जनरल एलिवेट करेगा ही उसको व्यक्ति को। अगर हम बोले दुख सुख ही उसके पहनने के साथ खत्म हो जाएंगे, सब चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी, जादू हो जाएगा, अमृत मिल गया, बस और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं होगा। आपको मेहनत करनी है, आपको रिवर्सेस भी देखने हैं, आपको पॉजिटिव भी मिलेगा, नेगेटिव भी मिलेगा। सब जो जीवन की कहानी है वो तो चलेगी ना। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको जीवन में कुछ नेगेटिव ना मिलता हो, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे जीवन में कुछ पॉजिटिव ना मिलता हो, दोनों चीजें मिलेंगी। लेकिन आपका जनरल स्ट्रक्चर जो है वो टूट जाए, उठना शुरू हो जाएगा। भाग्य कहीं ना कहीं जो अनजान फोर्सेस है आपके आसपास जिसे हम भाग्य बोलते हैं, वो तो कहीं ना कहीं आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे, आपको स्ट्रांगली फेवर करना शुरू कर देंगे। तो उसी सब के लिए जेमस्टोन्स पहने जाते हैं। जो लोग ऐसा सोचते हैं बस मैंने पहन लिया और हो गया, बस हो ही गया, फिर उनका कुछ होना नहीं है, क्योंकि जब तक तुम एफर्ट नहीं करोगे, जब तक तुम इस बात को समझोगे नहीं कि ये मैजिकल चीज नहीं है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं है। जैसे अगर आपने अपना दिमाग स्ट्रांग करने के लिए ब्राह्मी वटी तो खा ली, पढ़े नहीं, लेकिन पढ़े नहीं एग्जाम तो नंबर नहीं आएंगे। अगर आपने जो है वो घी तो पी लिया लेकिन एक्सरसाइज नहीं की तो आपका शरीर बनेगा थोड़ी। तो आपको सब चीज जो है एफर्ट करने पड़ेंगे, और वो भी ऐसा नहीं कि हमेशा आपको, क्योंकि आपने पुखराज पहन लिया आप भगवान के बहुत करीब हो गए, आपको हमेशा जो है वो तड़ाक से रिजल्ट ही देंगे। रिजल्ट तो हमेशा जो है कष्ट के बाद ही आएगा, बिना कष्ट के तो कृष्ण मिलते हैं। जब आपको जेमस्टोन्स की शेप है उससे कोई फर्क पड़ेगा? जो जेमस्टोन्स की शेप है वो रिलेवेंट फैक्टर नहीं है। जैसे अगर तो गोली चपटी है या गोल गोली खाएगा या लंबी गोली खाएगा उससे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसी तरह से जेमस्टोन की शेप से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस भी शेप का होगा वो कॉस्मिक रेज को एब्जॉर्ब करके आपकी बॉडी में डालेगा। जेमस्टोन्स की शेप का इफेक्ट होता है अगर वो पिरामिडिकल शेप के हो, प्रॉपर पिरामिड्स हो, और वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स में बनते हैं, गोल्डन टोपाज, एमेथिस्ट, व्हाइट टोपाज, इन सब में वो बनते हैं, और वो अप्रोक्सीमेटली 21 रत्ती के आसपास के होने चाहिए। 21 रत्ती एंड अबव के साइजेस के पहनो एज पेंडेंट, तो उनका इफेक्ट होता है, एक अलग ही इफेक्ट होता है, क्योंकि पिरामिड का इफेक्ट होता है। पिरामिड से होता क्या है? पिरामिड एक बहुत जो है स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्रिकल फिगर है जो कि कॉस्मिक रेज को इस तरह से एब्जॉर्ब करती है कि वो हीलिंग रेज हो जाती है, क्यों अंदर ही वो ऐसे ऐसे वो हो जाती है। हाँ, वो हीलिंग रेज बन जाती है। तो इसीलिए जो भी हमारे मंदिर होते हैं इनका जो टॉप फॉर्म तो देखेगा वो पिरामिड की शेप में होता है, इनवर्स पिरामिड होता है उसमें ऊपर। और इसी तरह जो आपका
इजिप्ट में जो पिरामिड है उनके अंदर जो है वो मम्मी हजारों साल इसलिए प्रिजर्व है क्योंकि वो पर्टिकुलर शेप भी इम्पोर्टेंट थी उसकी। तो वो जो पिरामिड की शेप है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज्यादा हीलिंग पावर्स अपने अंदर रखती है। इसीलिए जो षडयंत्र होता है वो भी जो है वो पिरामिड की शेप में होता है। हमारे पास एक सफटिक के जो है पिरामिड्स होते हैं, वो भी लोगों को अपने घर में रखने चाहिए, सब जगह पे यूज करने चाहिए, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होता है।